नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आज से खत्म हो जाएगी लागू सभी प्रतिबंध। सैलानियों के लिए जू सफारी बनकर हुआ तैयार। टीकाकरण से कोई भी नहीं रहेगा वंचित। अब बिहार की पुलिस बनेगी स्मार्ट। राजद ने जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आज से खत्म हो जाएगा लागू सभी प्रतिबंध। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए बीते दिनों बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य में कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिबंधों को आज यानी कि 14 फरवरी से खत्म करने का ऐलान कर दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में जानकारी साझा की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। अब कोविड अनुकूल व्यवहार और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ ही सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। जिला पदाधिकारियों को हालांकि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके बाद आज से सभी नए नियम को लागू कर दिया गया है और सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा की। रमेश चंद्र झा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बाद में साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वो बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ हिंदी के कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। बिहार राज्य के चंपारण जिले का फुलबरिया गाँव उनकी जन्मस्थली है। उनकी कविताओं, कहानियों और गजलों में जहाँ एक तरफ देशभक्ति और राष्ट्रीयता है, वहीं दूसरी तरफ मानव मूल्य और जीवन के संघर्ष भी काफी देखने को मिलते हैं। आज हो जाएगी इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 समाप्त। इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 आज यानी कि 14 फरवरी को खत्म हो जाएगी, जिसके तहत ही आज प्रथम पाली में विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त विषय समूह के अंतर्गत विभिन्न भाषा विषय उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्सियन, पाली और बांग्ला विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी पाली में विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त विषय कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया, वेबटेक विषय के साथ साथ कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए योगा, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल के परीक्षार्थी रिलेटेड सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। ज्ञात हो, दोनों पालियों को मिलाकर मात्र 12,594 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाएंगे अपना जनता दरबार। कोविड 19 के मामलों में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार एक बार फिर से शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत आज से होगी। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद स्थित परिसर में बनाए गए हॉल में सीएम लोगों की शिकायत सुनेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। वहीं आज होने वाले जनता दरबार में मुख्यमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद स्थित परिसर में बनाए गए नए हॉल में जनता दरबार लगाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने निकाली रिक्तियां। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने मुख्य प्रबंधक सुरक्षा, महाप्रबंधक सुरक्षा के कुल मिलाकर के 14 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें, अभ्यर्थियों के पास स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री या सुरक्षा प्रबंध, औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा और प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 1 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.coalindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में मिले कोरोना के 200 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 193 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1274 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया, अरवल, बांका, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, शिवहर में 0, औरंगाबाद में 5, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 2, भोजपुर में 8, बक्सर में 3, दरभंगा में 3, ईस्ट चंपारण में 5, गया में 4, गोपालगंज में 5, जमुई में 3, जहानाबाद में 2, कटिहार में 3, किशनगंज में 5, मधेपुरा में 6, मुजफ्फरपुर में 7, नवादा में 4, पटना में 41, पूर्णिया में 8, रोहतास में 2, सहरसा में 10, समस्तीपुर में 13, सारण में 1, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 7, सुपौल में 5, वैशाली में 7, वेस्ट चंपारण में 6 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 ऐसे मामले भी पॉजिटिव पाए गए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 144,010 सैंपल
सैंपल की जांच हुई, वहीं इस दौरान 265 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अब बिहार की पुलिस बनेगी स्मार्ट। अब बिहार की पुलिस और ज्यादा एडवांस होने की तैयारी में है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस आधुनिकीकरण के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाई गई है। इसके लिए केंद्र ने 26,275 करोड़ रुपए की कुल राशि मंजूर की है। इस राशि के जरिए राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को सरकार साकार करेगी। इसमें देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। खासकर नक्सल और आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में पुलिस को उन चुनौतियों से निपटने की विशेष कार्य योजना है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि इसमें आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक को अपनाने, नशीले पदार्थों पर शिकंजा कसने के लिए राज्यों की सहायता करने का प्रावधान है। सैलानियों के लिए जू सफारी बनकर हुआ तैयार। अगर आप भी कुछ दिनों में कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जू सफारी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि 191.12 हेक्टेयर में फैला राजगीर जू सफारी बनकर तैयार हो गया है, जिसके बाद ही 16 फरवरी से इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। इसके बाद राजगीर के पर्यटन स्थल में एक और नया आयाम जुड़ जाएगा। पर्यटकों की माने तो यह जू सफारी सैलानियों के लिए रोमांच से भरा होगा, जिसके बाद से ही इसमें दर्शक शेर और बाघ को खुले में विचरण करते और दहाड़ मारते हुए बंद गाड़ी में बैठकर देख सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना जू से 35 जानवर राजगीर जू सफारी गए हैं। बंगाल और गुजरात जू से भी शेर और बाघ लाए गए हैं। जू सफारी पार्क को स्वर्णगिरी पर्वत और वैभवगिरी पर्वत के बीच की घाटी वाले हिस्से में विकसित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि हर जोन में 30 फीट ऊंची ग्रिल का घेराव है। हर जोन में डबल एंट्री गेट और 5 रिटायरिंग रूम है। पर्यटकों के लिए सारी सुविधाएं बहाल की गई है। अब बकाया शुल्क वाले छात्र भी दे सकेंगे मैट्रिक की परीक्षा। आज इंटर की परीक्षा खत्म होने वाली है, जिसके बाद मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। हालांकि मैट्रिक के परीक्षार्थी को बिहार बोर्ड की तरफ से बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत बिहार बोर्ड में मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन फीस को जमा नहीं करने वाले छात्रों का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा शुरू होने से पहले बिहार बोर्ड ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इसके साथ ही राहत की बात यह है कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन फीस को जमा नहीं करने वाले छात्रों का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा शुरू होने से पहले बिहार बोर्ड ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। जिनका कोई भी शुल्क बकाया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर जाकर विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड 16 फरवरी तक बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद रहेगा। हालांकि ध्यान देने की बात यह है कि बिहार बोर्ड ने सख्त निर्देश यह भी दिया है कि 16 फरवरी तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन या परीक्षा शुल्क जो आया है उसे जमा कर देना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भले ही परीक्षार्थी परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन उनके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। बिहार मॉडल से रुकेगी भिक्षावृत्ति। बिहार में भिक्षावृत्ति कम करने के लिए और ट्रांसजेंडर के समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार बिहार के मॉडल को अपनाने जा रही है। इसको लेकर सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना लॉन्च की है। इसको लेकर मंत्री ने बिहार सरकार की सराहना की और कहा कि स्माइल योजना से भिक्षावृत्ति और ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। आवास रोजगार से लेकर उनकी पहचान के लिए अलग से बनाने की बात भी कही गई है। योजना की लॉन्चिंग पर बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए समाज कल्याण विभाग के सचिव दयानिधान पांडे शिरकत करने गए थे। बिहारवासियों को ठंड से अब मिलेगी राहत। बिहार में ठंड का सितम अब लगातार कम हो रहा है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में सामान्य से कम चल रहा औसत तापमान रविवार सोमवार से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दरअसल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाएं काफी हद तक समाप्त हो गई है। सैद्धांतिक तौर पर वसंत का मौसम फरवरी प्रथम सप्ताह में ही शुरू हो गया था, लेकिन उसका अनुभव अभी तक नदारद है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक ऐसी स्थिति में अब प्रदेश भर में वसंती मौसम महसूस होने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि रविवार की रात के बाद तापमान सामान्य की तरफ बढ़ने लगेगा। टीकाकरण से कोई भी नहीं रहेगा वंचित। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 22 फरवरी को सभी पंचायतों में आम सभा आयोजित कर टीकाकरण किया जाना है। इससे पहले 14 से 19 फरवरी के बीच सभी वार्डों में वार्डवार आमसभा कर टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की माने तो राज्य में विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोरोना टीका दिया जा रहा है। इसी क्रम में 15 से 18 साल के किशोरों और टीकों की दूसरी खुराक ले चुके व्यक्तियों को 9 महीने या 39 सप्ताह बाद बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है।
15 फरवरी को लालू यादव को सुनाया जाएगा सबसे बड़े मामले में फैसला। 15 फरवरी की तारीख लालू यादव के लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसी दिन बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े एक मामले को लेकर अदालत के समक्ष उनकी पेशी होनी है। इसमें राजद सुप्रीमो समेत 99 आरोपितों को सीबीआई की अदालत में पेश होना है। लालू यादव इसी सिलसिले में रविवार को पटना से रांची पहुंचे हैं। इसी को लेकर बीते दिन पटना एयरपोर्ट से रांची पहुंचने के दौरान उनके साथ बेटी मीसा भारती और भोला यादव के अलावा वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद स्टेट गेस्ट हाउस गए। एयरपोर्ट पर राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखने को मिला। वहीं दो दिन पहले रांची पहुंचने के भी सियासी मायने सामने आ रहे हैं। बिहार के गांव में हर घर पर बटेंगे गीले और सूखे कचरे के लिए डस्टबिन। पंचायती राज विभाग ने हाल ही में एक नया प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत शहर के बाद गांव में भी घर घर गीले और सूखे कचरे के लिए डस्टबिन बांटे जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 15वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि से डस्टबिन बांटने की जिम्मेदारी वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति की होगी। साथ ही हर वार्ड में कूड़ा उठाव के लिए एक एक साइकिल रिक्शा की खरीद भी की जाएगी, जिसके बाद ये कूड़े के संग्रहण का काम करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह योजना लोहिया ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग संयुक्त रूप से संचालित कर रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 से पहले मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 फरवरी से पहले नियुक्ति पत्र देने का ऐलान कर दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सरकार की यह मंशा है कि 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में इससे जुड़ा कोई सवाल ना उठाया जाए, और इसको लेकर शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव संजय कुमार ने समीक्षा बैठक भी बुलाई है। बता दें कि छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के तहत चयनित 41,000 अभ्यर्थियों को सरकार ने 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा है कि अब तय तारीख से पहले इसे देने की योजना बनाई जा रही है। बिहार में जल्द ही शुरू होने जा रही है सांसद खेल स्पर्धा। बिहार में अब खेल जगत में मुकाम बनाने की चाहत रखने वाले बच्चों के पास सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ग्रामीण प्रतिभा को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिससे कि आने वाले समय में लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। बिहार में भी इसकी शुरुआत होने वाली है, जो कि पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने और उचित स्थान दिलाने के लिए पीएम मोदी ने सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता कराने का निर्देश दिया है। बिहार में इसका आरंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजू जायसवाल के लोकसभा क्षेत्र के सभी 12 प्रखंड में जिला स्तरीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन 27 फरवरी से 13 मार्च तक किया जाएगा। इसका उद्घाटन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल चैंपियन श्रेयसी सिंह 27 फरवरी को करेंगी। सारण के गौतम स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गौतम ऋषि का आश्रम सारण जिले के रिविलगंज नगर क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान की प्राचीन और धार्मिक मान्यता यह है कि जब गौतम ऋषि ने क्रोध में अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था, तब कई सौ वर्षों बाद भगवान राम ने उनका उद्धार किया था। गौतम स्थान रिविलगंज में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और सरयू नदी के संगम स्थल पर हर साल लगने वाला गोदना सिमरिया नहान मेला धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। गौतम ऋषि मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राम का पदचिन्ह आज भी मौजूद है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले में आए लोगों का केंद्र बिंदु होता है। राजद ने जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची। बिहार में इन दिनों विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है। भले ही अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन बिहार की लगभग सभी राजनीतिक पार्टी एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी करने में लगी हुई है। हाल ही में भाजपा और जदयू की तरफ से कई नाम साझा किए जाने के बाद, वहीं अब राजद ने बीते दिन 21 नामों की सूची जारी की है। 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा राजद ने रविवार को कर दी है। 3 सीट पर अभी भी अंतिम मुहर नहीं लगी है। इन सीटों पर राजद किन उम्मीदवारों को मौका देगी, ये संशय बरकरार है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इन तीनों सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय नहीं होने की वजह भी बताई है। इन सबके बीच 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं किए गए हैं। पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा सीट पर किस उम्मीदवार पर दाव खेला जाएगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। लालू परिवार से जीतन राम मांझी। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर राजद पर निशाना साधा है, क्योंकि बीते दिन ही बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर राजद ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने 21 नामों की घोषणा तो की, जिसमें 20 राजद के जबकि एक उम्मीदवार वाम दल का है। राजद के 21 उम्मीदवारों की सूची को लेकर अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा सवाल किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद के 21 विधान परिषद सीटों की उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। इनमें ना कोई महिला, ना कोई दलित, सिर्फ एक मुसलमान वोट चाहिए। सबका विकास, सिर्फ मालदारों का गजब, गरीबों की पार्टी गजब। बिहार में
बढ़ते अपराध के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार। बिहार के रोहतास क्षेत्र शिवसागर थाना क्षेत्र के सोनडेहरा गांव में जमुई के सांसद चिराग पासवान बीते दिन पहुंचे थे, जहां पहुंचकर ही उन्होंने सरकार पर एक के बाद एक निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों पर अपराधी हमले कर रहे हैं, उनकी जान ली जा रही है, जो प्रदेश के लिए घातक है। सूबे में कानून व्यवस्था लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है, वहीं अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इसके साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल करते हुए यह भी कहा कि नीतीश कुमार या उनकी सरकार के कई लोग यहां मौजूद हैं, लेकिन यहां पर कोई आया ही नहीं है। यहां तक कि डीएम और एसपी भी अपनी मौजूदगी दिखाने में असफल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिनों औरंगाबाद में दरोगा वीरेंद्र पासवान की मुठभेड़ में जान चली गई थी, उन्हीं के श्राद्धक्रम का हिस्सा बने चिराग पासवान पहुंचे थे। शिवम दुबे को मिली दोहरी खुशी। भारत के हरफनमौला शिवम दुबे के लिए बीता दिन खुशियों का सैलाब लेकर आया। सुबह उनके घर पर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ, तो वहीं कुछ घंटे बाद आईपीएल में उन पर नोटों की बारिश हुई। आईपीएल नीलामी में मुंबई के इस खिलाड़ी को महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ रुपए की मोटी रकम खर्च कर अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल 2022 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी दुबे को अपनी टीम में शामिल करने में रुचि दिखाई थी, मगर सीएसके ने अंत में बाजी मारी। शिवम दुबे की यह आईपीएल में तीसरी टीम है। इससे पहले वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल चुके हैं। राष्ट्रपति ने देश को समर्पित किया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। बीते दिन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी समर्पित कर दिया है। इसको लेकर बीते दिन उन्होंने स्पुतनिक हैदराबाद पहुंचकर मुचिंतल में समानता केंद्र की प्रतिमा का अनावरण किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मूर्ति को श्री रामनगर में भद्रवेदी की पहली मंजिल पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति ने विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही चीन जीआर स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त किया। चीन जीआर स्वामी ने राष्ट्रपति को इस केंद्र की खासियत के बारे में भी बताई। वहीं इस दौरान राष्ट्रपति ने 216 फीट की समानता मूर्ति और 108 वैष्णव मंदिरों के दर्शन भी किए। राष्ट्रपति ने स्वर्ण प्रतिमा के अनावरण पर प्रसन्नता व्यक्त की और लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में मुचिंतल आध्यात्मिक स्थल बनेगा, श्री राम नगरम अद्वैत और समानता के केंद्र के रूप में चलेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1881 में कोलकाता में आज के दिन हुई थी। भोपाल गैस कांड की जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड 1989 में सरकार को मुआवजा देने पर राजी हुई थी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव ने 1994 में 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया था। 14 फरवरी 2008 में ही सिद्धार्थ सिन्हा की लघु भोजपुरी फिल्म उधेड़बुन को पुरस्कृत किया गया। सानिया मिर्जा ने 2009 में पटाया ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश किया था। भारतीय जनता पार्टी की महिला राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज का जन्म 1952 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री सकीना जाफरी का जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ था। 14 फरवरी साल 2007 में भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामचरण शुक्ल का निधन हुआ था। आज ही के दिन को वैलेंटाइंस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,800 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,050 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर भी आपका नहीं कटेगा चालान, बस करना होगा ये। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर चालान नहीं कटने को लेकर हम आपको बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी स्कूटी मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए फायदे की है। दरअसल इस खबर का फायदा उन लोगों को होने वाला है जो ड्राइविंग करते हैं। आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस चालान से बचने के साथ ही इसको लेकर चलने की जरूरत अब नहीं होगी। वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर डीजी लॉकर प्लेटफॉर्म या एम परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप से रखे गए इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। डीजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सेव रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने साथ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ मिश्रा, उमेश कुमार, नफीस आलम, बंटी कुमार, मिथुन कुमार पंडित, अमरदीप कुमार, अभय कुमार सिंह, राहुल बेचैनी 82, रजनीश कुमार, राम बाबू सिंह, कृष्ण कुमार यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में टीकाकरण को लेकर किए गए इंतजाम से आप खुश हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।